thinking that the ultimate purpose of God is to dwell among men. तब लोग सुन रहे थे थोड़ी देर पहले कि कैसे परमेश्वर की सबसे बड़ी या मुख्य उद्देश्य ये है कि वो अपने लोगों के बीच बसे. So he is preparing. तो वो इसलिए हमें तैयार कर रहा है. A group of people in this world itself, in all their characters, in their change, in transforming them. तो इसलिए इस दुनिया में एक ऐसा सभा को वो तैयार कर रहा है, उनके चरित्र को बदल रहा है, परिवर्तन ला रहा है ताकि वो उनके बीच बसे. God is very zealous to build up his house. परमेश्वर बहुत ही ज्यादा जोशीला है, उत्साहित है कि वो अपने लिए एक घर बनाए. Jesus is building the house. और प्रभु यीशु ये घर में बसते हैं. And while telling that, he was asking us to see how Moses was faithful in the house. और ये बोलते वक्त हमें बोल रहे थे, ये चीज पे ध्यान ला रहे थे कि कैसे मूसा बहुत ही विश्वसनीय था परमेश्वर के घर में. Moses was meek and humble. मूसा जो था वो बहुत ही दीन और नम्र था. And we found Jesus telling, learn from me, I am meek and lowly. और हम लोग नए करार में देखते हैं कि प्रभु यीशु भी बोलते हैं कि तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ. And the learning of God's ways, receiving of God's word, getting a revelation from God, it's all depends on how humble and how meek we are. और परमेश्वर के मार्गों को हम कितना सीखते हैं, परमेश्वर से हमें प्रकाशित ज्ञान कितना मिलता है, कितने उसके वचन को हम जानते हैं, ये सब इसी चीज पर निर्भर है कि हम कितने नम्र और दीन हैं. We also saw Numbers chapter 12. हम लोगों ने देखा पुराने करार में गिनती के पुस्तक में how Miriam was angry against Moses. कैसे मरियम जो थी वो मूसा के खिलाफ गुस्से में थी. How Miriam was jealous against Moses. और कैसे मरियम जो थी वो मूसा के खिलाफ उसको जलन हो रहा था. Probably Moses was Miriam thought that Moses was my younger brother. हो सकता है कि मरियम सोचती रहेगी ये मूसा तो मेरा छोटा भाई है. So he should listen to me. तो इसलिए जरूरी है कि वो मेरी बातों को सुने. But Moses was, he made up his mind that he has to listen to God. लेकिन मूसा ने अपना मन बना लिया था कि वो बस परमेश्वर की ही सुनेगा. We may have a desire in our flesh. हो सकता है हमारे शरीर में भी एक इच्छा हो. My juniors should listen to me. कि मेरे जो नीचे जो लोग हैं वो लोग मेरी सुने. If they don't listen, we despise them. और अगर वो हम लोग की बातों को नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग उनको तुच्छ समझते हैं. Show our anger. या हम लोग उनकी ओर अपना गुस्सा को दिखाते हैं. Or we say that they are not spiritual. या फिर हम लोग कह देंगे कि ये लोग इतने आत्मिक नहीं है. There was one man of God. एक परमेश्वर का व्यक्ति था. I think it's John Wesley. शायद उसका नाम जॉन वेस्ली था. He said, if you are disobeying me or if you are not obeying to my words, it is not sin. तो उसने एक बार कहा था कि अगर यदि तुम लोग मेरे आगे का पालन नहीं करते हो या मेरे शब्दों को तुम नहीं सुनते हो तो वो पाप नहीं है. But if you disobey God's word, that is sin. लेकिन अगर तुम परमेश्वर के वचनों को का पालन तुम नहीं करोगे तो फिर वो पाप है. We see the godly man's humility. हम लोग देखते हैं वहां पर कि कैसे ये व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति था वो कितना नम्र था. So even if people whom we consider junior, if they are not following our advice, we should be happy. तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो हमसे छोटे हैं और वो लोग हमारे सलाह को नहीं सुन रहे हैं तो हमें उसे दुख नहीं पहुंचना चाहिए. Yeah, you need not follow my advice. हो सकता है कि हाँ तुम लोग मेरे सलाह नहीं मान रहे हो. Listen to God. तुम परमेश्वर की ही सुनो. And obey what he says. और वो जो बोल रहा है उसका पालन करो. But Miriam didn't have that attitude. लेकिन मरियम के पास ये स्वभाव नहीं था. Miriam expected, demanded an explicit obedience from Moses for what she says. मरियम की ये जिद थी कि जो कुछ भी वो बोले मूसा उसका पालन करे. Sometimes the strong demand and expectation will break the relationship. कई बार इस तरीके की जो जिद होती है और इस तरीके से जो हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं उससे जो रिश्ता होता है वो टूट जाता है. It will break the fellowship. और जो संगति होती है वो भी टूट जाती है. When the fellowship is broken, there is a gap. और जब संगति टूट जाती है तो दो लोगों के बीच में जुदाई आ जाती है. Like vacuum absorbs, attracts air, this vacuum will attract devil. और जैसे एक खाली जगह पे हमेशा धूल या मिट्टी पहुंच जाता है उसी तरीके से जब ये दो लोगों के बीच में फासला आ जाता है वहां पे शैतान पहुंच जाता है. That's why Jesus says walk in light. और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि हमेशा तुम ज्योति में चलो. If you don't walk in light, अगर तुम ज्योति में नहीं चलोगे darkness will come in. तो वहां पे अंधकार आ जाएगा. And behind that devil will come in. और वो अंधकार के पीछे पीछे शैतान भी आ जाएगा. And he will start using you as an agent. और फिर वो तुम्हें उसके कार्यकर्ता के जैसे तुम्हारा इस्तेमाल करेगा. To spoil the building of the house of God. ताकि परमेश्वर के जो इमारत जो बन रहा है, घर जो बन रहा है, उसमें वो अड़चन लाए. To spoil the building of the house of God. और परमेश्वर का जो घर जो बन रहा है, उसको वो खराब कर दे. So what God's response to Miriam? What was God's response to Miriam?
तो परमेश्वर का यहाँ पे क्या उत्तर था मरियम की और मरियम मोसेस की, हैज गॉड ओनली स्पोकन टू थ्रू मोसेस? तो मरियम ने ऐसा कहा कि क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा के द्वारा ही बोला है? एंड मोसेस डिड नॉट रिप्लाई। और उस समय हम लोग देखते हैं कि मूसा ने जवाब नहीं दिया। He handed over everything to God। उसने सारे चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। And then God comes। और फिर परमेश्वर स्वयं आते हैं। Suppose Moses started speaking। सोचो कि अगर मूसा उस वक्त बोलने लगता, Do you think God also would have come there? तो क्या तुम्हें लगता है कि उस समय फिर परमेश्वर भी वहाँ पर आते? No, God will not interfere in your work। नहीं, परमेश्वर तुम्हारे कार्य में वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। If you take the responsibility to solve that problem, to advise or to correct, God will say, You do it, I will stay there। अगर उसकी जिम्मेदारी वो चीज को सुधारने को और ठीक करने की जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर लेते हो तो परमेश्वर बोलेगा फिर ठीक है तुम ही करो। Here Moses was in a very difficult situation। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मूसा बहुत ही गंभीर परिस्थिति में था। One side is his wife। एक तरफ उसकी पत्नी। Another side is his sister। दूसरी तरफ उसकी बहन। One of the brothers was sharing। And? One of the brothers was sharing। एक भाई बोल रहे थे। Yeah, there is a strained relationship between he and the sister। कि ये बहुत ही अजीब तरीके का रिश्ता है उसके और बहन के बीच में। Yeah, we have to set right immediately। और हमें हमेशा इसको सही चीज करना है। If we give time, अगर हम लोग समय देंगे, our heart slowly gets hardened। तो हमारा जो मन है, जो हृदय है, वो और कठोर बनते जाएगा। It will slowly tell excuses। और वो जैसे समय बीतते जाएगा, वो और बहाने देते जाएगा। And next time, our heart will not be able to be sensitive to the sin। और फिर अगली बार हमारा जो मन है वो उसको एहसास नहीं होएगा जब हम लोग पाप में पड़ेंगे। So God came there। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर आता है। We read in 7th, 6th verse, chapter। Now Numbers chapter 12। तो गिनती के पुस्तक में chapter 12, 6th verse। Chapter 12 वाक्य 6। Sorry 5th verse। वाक्य 5। The pillar of cloud came and stood at the doorway of the tent। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। The pillar of cloud Lord came down। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो खंभा जो था बादल का, उसके द्वारा परमेश्वर नीचे आए। So he called the three people। और वहां पे उन्होंने तीन लोगों को बुलाया। Moses, मूसा, Aaron, हारून, मिरियम। Three of you come। बोला कि तुम तीनों आ जाओ। So all the three of them got ready। तो तीनों तैयार हो गए। Moses thought God is going to scold him। तो मूसा को लगा कि अभी परमेश्वर उसको डांटने वाले हैं। God is going to join with Miriam and scold Moses why he married Cushite woman। और परमेश्वर मिरियम के साथ मिल जाएंगे और उसके पक्ष से मूसा को डांटेंगे कि तुमने एक दूसरी जात की औरत से क्यों शादी किया। So Moses was also shivering। तो उस समय मूसा जो था वो डर गया था। Aaron was also shivering। और हारून था वो भी कांप रहा था। And Miriam thought perhaps God is going to be with him supporting her। और उस समय लेकिन मिरियम जो थी, हो सकता है वो सोचती रहेगी कि परमेश्वर उसके पक्ष में रहेगा। Because pride people always think that God is always with them, whatever they do। क्योंकि जो घमंडी लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि भले लोग जो कुछ भी करें परमेश्वर उनके साथ ही रहेगा। We read Apostle Paul। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित पॉलस के बारे में। While writing certain scriptures, कुछ जब वो शास्त्र लिख रहा था, he so humble he writes। वो वहां पे इतना नम्र था कि वो इस तरीके से लिखता है। I also think that God's spirit is with me। मैं सोचता हूँ कि शायद परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है। Just because he was an apostle, सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रेरित था, he did not say whatever I write it is God's word। उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो परमेश्वर के शास्त्र बन जाते हैं। So Moses also would have been like that। तो मूसा भी शायद से इसी तरीके का व्यक्ति हो रहा होगा। I don't know whether God will approve me। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर मुझे अपनाएंगे कि नहीं। Or whether God is going to scold me। या परमेश्वर मुझे डांटने वाले हैं। So with this attitude, three of them are waiting। तो ये मनोवृत्ति के साथ ये तीन लोग वहाँ पे रुके थे। But what God is telling is, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलते हैं? He is asking two of them to come। तो वहाँ पे परमेश्वर लोग देखते हैं दो लोगों को आगे आने बोलता है। Yeah, fifth verse। वाक्य 5। Aaron and Miriam God called them। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कि हारून और मरियम को बुलाया परमेश्वर ने। And Moses was waiting outside। और मूसा जो था वो बाहर रुका था। Probably Moses thought God would call him first। तो मूसा को उस समय ये लगा रहेगा कि परमेश्वर सबसे पहले उसको बुलाएंगे। Now God has called Miriam and Aaron। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर तो मिरियम और हारून को पहले बुलाया है। And Moses is waiting। और बाहर मूसा रुक रहा है। Whether God is going to appreciate what Miriam and Aaron did। और सोचता होगा कि शायद से परमेश्वर मान लेंगे वो सारी बातों को जो मिरियम और हारून ने किया है। Why he is not calling me? और वो सोचता रहेगा कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं अंदर बुला रहे हैं? Why he left me out? क्यों उन्होंने मुझे बाहर छोड़ दिया है? Yeah, when an elder calls two or three people, When an elder calls three of you, हो सकता है कि एक समय पे एक अगुआ ने तीन लोगों को बुलाया। And all three of you are waiting and you are getting ready. Brother is going to give some responsibility and we are important and you are going like that।
और हो सकता है कि तुम तीन भाई सोचो कि हाँ तुम बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण लोग हो, तुम तैयार होते हो और रुके रहते हो कि जो अगुआ है वो तुम्हें कोई जिम्मेदारी दे। Then God says, brother says, you please, no need to come, only two of you come. और उस समय अचानक से वो जो अगुआ है वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम में से एक निकल जाओ, बस ये दो तुम आगे आ जाओ। At that time, what are all the thoughts that will go into our heart? तो उस समय वो जो एक व्यक्ति था जो बाहर उसको जाने बोला था, उसके मन में क्या-क्या चीजें चलेंगी? Sometimes we may think that हम लोग कोई कई बार सोच सकते हैं brother is going to scold those two people कि भाई जो है वो दो व्यक्तियों को डांटेंगे and after that he will call me and he will appreciate me और उसके बाद वो मुझे बुलाएंगे और फिर मुझे सराहेंगे और we may think brother should have called me first कि भाई तो मुझे सबसे पहले बुलाना चाहिए था why he is calling those two people first उन्होंने उन दो व्यक्ति को पहले क्यों बुलाया are they so important क्या वो लोग इतने महत्वपूर्ण लोग हैं I am mature than them मैं तो उनसे भी ज्यादा समझदार हूँ I know scriptures more than them मैं उनसे ज्यादा पवित्र शास्त्र से वाकिफ हूँ I am more gifted than them मैं उनसे ज्यादा काबिल हूँ I am the first person who came to church before those two people उन दोनों के पहले तो मैं इस कलीसिया में आया था all these thoughts will go on ये सारे अलग-अलग सोच विचार तुम्हारे मन में आएंगे because we are living in a sinful flesh क्योंकि तुम एक पापी शरीर में जी रहे हो I am not telling wrong that you are getting all those thoughts मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारे सोच विचार तुम्हारे जब मन में आते हैं वो गलत है but we'll have to be honest to god लेकिन हमें परमेश्वर के सामने हमेशा सच्चा रहना है lord these are all the thoughts going in me और बोलना है कि परमेश्वर ये सारे गलत सोच विचार मेरे अंदर चल रहे हैं if I am wrong lord correct me अगर मैं गलत हूं परमेश्वर तो तू मुझे बदल मुझे सुधार I don't want to become proud lord मैं हमें कभी भी घमंड नहीं बनना चाहता परमेश्वर I want to be meek and humble lord मैं हमेशा दीन और नम्र रहना चाहता हूं परमेश्वर so I believe initially Moses would have had a struggle तो मेरे ख्याल से मूसा के मन में भी ये संघर्ष हुआ रहेगा then Moses would have come to rest aur fir thodi der baad Musa shant ho gaya rahega lord I am nobody aur usne bola rahega parmeshwar main koi nahi hu I am an unworthy person main bilkul ayogya vyakti hu I have taken a wrong decision in marrying this person maine ek galat faisla liya tha jab maine ye dusri parayi jaat ki aurat se shaadi kar li more wise in selecting or choosing my life partner mujhe thoda aur samajh se mere jeevan saathi ko chunna chahiye tha or I should have advised my wife slightly more या मुझे अपनी पत्नी जो है उसको और थोड़ा सुधारना चाहिए था सो ही वुड हैव बीन देयर सर्चिंग हिज ओन हार्ट तो उस समय वो बाहर खड़े रहकर अपने मन को जांचता रहेगा इट वाज अ वेटिंग टाइम तो उसके लिए एक बात जोड़ने का समय था वो व्हाइल गॉड इज करेक्टिंग दोस टू पीपल तो उस समय जब परमेश्वर वो दो व्यक्तियों को सुधार रहे थे गॉड इज ऑल्सो टेस्टिंग मोसेस उस समय परमेश्वर मूसा को भी जांच रहे हैं समटाइम्स व्हेन वी आर लेफ्ट अलोन कई बार जब हम लोग अकेले में पड़ जाते हैं समटाइम्स व्हेन वी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड कई बार जब हम लोग हमें पहचानते नहीं है समटाइम्स व्हेन वी आर कॉल्ड एंड नॉट given any responsibility aur kai baar hame bulaya jata hai lekin koi zimmedari nahi di jati it's a time god is checking our hearts to ye sare samay mein parmeshwar tumhare mano ko jaanch raha hai moses would have been honest ho sakta hai ki musa parmeshwar ke samay us samay sachcha raha hoga and god is telling to those two people aur us samay parmeshwar wo dusre do vyakti se bol rahe the moses is not like any other prophet मूसा कोई और नबी के जैसे नहीं है टू ऑल अदर प्रॉफिट्स आई स्पीक थ्रू विजन्स एंड ड्रीम्स बाकी सारे नबियों से मैं सपनों और दृष्टिताओं से बात करता हूँ बट दिस पर्सन आई स्पीक फेस टू फेस लेकिन ये जो व्यक्ति है इससे मैं आमने सामने बात करता हूँ दैट्स व्हाट ही सेज इन 8th वर्स हम लोग ये देखते हैं कि वाक्य 8 में परमेश्वर ऐसे कहते हैं एंड व्हाई यू डिडंट हैव एनी फियर टू स्पीक अगेंस्ट मोसेस और क्यों तुम्हारे मन में कोई भय नहीं था कि तुम मेरे सेवक मूसा के खिलाफ बोल रहे थे and very sad verse in ninth verse aur vakya jo 9 hai wo bahut hi dukhit vakya hai the ninth verse says so the anger of the lord burned against them and he departed tabhi yehovah ka kop un par bhadka aur woh chala gaya he departed parmeshwar chala gaya and the god's presence left them iska matlab ye hai ki parmeshwar ki upasthiti unme se chali gayi god's presence left miriam and aaron parmeshwar ki upasthiti miriam aur harun ko chhod kar chali gayi probably even when god was speaking to them god could not see a humble heart kyunki hum log dekhte hai ki ho sakta hai us samay parmeshwar jab unse ye sare cheeze ke bare mein bol raha tha unke man mein tabhi bhi ek namra man nahi tha still they were thinking whatever they did was right क्योंकि हो सकता है उस समय भी वो लोग यही सोचते हो कि वो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सही किया है That's why God became angry. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर गुस्से में आ जाता है The righteous anger of God came against Miriam and Moses. परमेश्वर की धार्मिक जो क्रोध था वो मिरियम और हारून के ऊपर आ गया And God departed them. और परमेश्वर उनको छोड़कर चला गया God spoke to them and gave them a chance for repentance. परमेश्वर ने उनसे बातें की और उनको एक मौका दिया कि वो लोग अपना मन फिराएं. They didn't repent. लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मन नहीं फिराया. They didn't humble themselves. उन्होंने खुद को नम्र नहीं बनाया. The result is God's presence departed from them. और उसका परिणाम ये था कि परमेश्वर की उपस्थिति उनसे दूर चली गई. And 10th verse
वाक्य 10 में देखते हैं, द क्लाउड ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। 10th verse says, when the cloud had withdrawn from over the tent, Miriam was leprous, as white as snow. और मरियम कोर से हीम के समान शेवत हो गई। Can you believe that when the Lord's presence leaves Miriam, she becomes leprous? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जब परमेश्वर की उपस्थिति मरियम को छोड़कर चली जाती है, मरियम कोर से पीड़ित हो जाती है। That's a spiritual lesson. तो यहाँ पे एक आत्मिक शिक्षा हमें मिलती है। As long as God's presence is with me, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, I will be very sensitive in my conscience. मैं मेरे विवेक में बहुत ही सर्वशील रहूंगा। Wrong thoughts, कोई भी गलत सोच विचार, thoughts of pride, या कोई भी घमंड वाले सोच विचार, jealousy, या ईर्ष्या, I will be able to sense it. मुझे तुरंत उसका एहसास हो जाएगा। As long as God's presence is there with me, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, once it leaves me, एक बार ये उपस्थिति चली जाती है, I become a spiritually a leprous man. तो मैं आत्मिक रूप से कोढ़ से पीड़ित एक आदमी के जैसे बन जाता हूं। I lose the sensitivity. उसका मतलब यह है कि वो एहसास मुझसे चला जाता है। I tell lies and I don't repent. मैं झूठ बोल सकता हूँ और उसका एहसास भी मुझे नहीं होगा, मैं मन भी नहीं फिराऊंगा। I don't realize that telling lies is a serious sin. मुझे महसूस नहीं होता कि झूठ बोलना बहुत ही गंभीर पाप है। I become a hypocrite. मैं एक ढोंगी बन जाता हूँ। And I don't realize. और मुझे पता भी नहीं चलता, महसूस भी नहीं होता। I speak, I accuse brothers. मैं दूसरों को दोषी ठहराता हूँ। I don't realize. और फिर भी मुझे पता नहीं चलता। I feel I am all right. मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। That is a spiritual leprosy. इसको बोलते हैं आत्मिक रूप में कोर। It has occurred to many, many people. और कई सारे विश्वासियों के साथ हुआ है। They are not able to realize their present situation. उनको उनकी खुद की परिस्थिति के बारे में पता नहीं होता। So God's presence departs from pride. Proud people. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा घमंड लोगों से दूर हो जाती है। Even to proud people, God gives a chance. और घमंडियों को भी परमेश्वर मौका देता है। That's why in the New Testament we read. इसलिए हम लोग नए करार में पढ़ते हैं। He who speaks against the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता है, there is no forgiveness for him. ऐसे व्यक्ति को कोई माफी नहीं मिलेगी। That is like a spiritual leprosy. उसको बोलते हैं आत्मिक रूप में कोढ़ से पीड़ित होना। Now she became a leper. तो यहाँ पे वो कोढ़ से पीड़ित हो गई। And What is God telling? और यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? Moses is pleading for her. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मूसा जो है वो मरियम के लिए विनती कर रहा है। Aaron is also praying for her. और हारून भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। 13th verse. वाक्य 13. We read how Moses is pleading. और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मूसा किस तरीके से परमेश्वर से विनती कर रहा है। Moses cried out to God. और यहाँ पे मूसा परमेश्वर की ओर पुकारता है। Oh God, healer, I pray. ओ यहोवा, इसको तू चंगाई दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। It is not the crying where some people, for namesake, no, cry, Oh God, please, healer. It is not a acting. ये बस ऐसे नाम के लिए प्रार्थना नहीं है, जब भी कुछ लोग करते हैं कि तू इसको चंगाई दे। It is a real cry from his heart. तो ये कोई नाटक नहीं है, ये एक सच्ची पुकार है उसके मन से। It is a spirit of intercession. तो ये एक प्रार्थना करने वाली आत्मा है। Did God hear that prayer? तो क्या उस समय परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी? God is more interested in Miriam's repentance than answering to the prayer of Moses. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मिरियम को पश्चाताप की ओर लाने में और दिलचस्पी रखता है, इसकी तुलना में कि वो मूसा की प्रार्थना को सुने। Sometimes we are praying for somebody who is facing real difficulty. कई बार हम लोग कोई व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है जो बहुत मुश्किलों में हो। Lord, why you are not hearing my prayer? परमेश्वर, क्यों तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा? Why you are not hearing my family's prayer? क्यों तू मेरी परिवार की प्रार्थना को नहीं सुन रहा? Why you are not hearing my elders' prayer? क्यों तू मेरी अगुवा की प्रार्थना को नहीं सुन रहा? As a whole church, Lord, we are praying. Why you are not healing the पूरा कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तो क्यों चंगाई नहीं दे रहा? God says, परमेश्वर कहता है, I am more interested in the repentance than their immediate healing. मैं इसमें ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं कि वो व्यक्ति पश्चाताप की ओर आए, इससे इसकी तुलना में कि वो व्यक्ति चंगाई पाए। If it is going to take 7 days for repentance, I'll wait. And at the end of 7th day, I will heal them. अगर वो व्यक्ति को मन फिराने के लिए 7 दिन लगेंगे, तो मैं 7 दिन रुकूंगा, उसके बाद उसे चंगाई दूंगा। See the love of God. यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर का प्रेम। He could have just like that left Miriam. वो सीधा मरियम को ऐसे ही छोड़ सकता था। She would have gone to hell. और वो नरक में जाती थी। But God wanted her to repent. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मरियम मन फिराए। We read in 14th verse. वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं that she has to be out of the camp for 7 days. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मरियम जो है उसको कैंप के बाहर 7 दिन रुकना था। And 15th verse also says. और वाक्य 15 भी कहता है till she was outside the camp, the children of Israel did not
जर्नी। और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब तक मिरियम छावनी की बाहर थी, यहोवा जो यहूदी थे वो लोग अपने सफर में आगे नहीं बढ़ रहे थे। नाउ गॉड कॉल्ड द थ्री ऑफ देम। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने तीन लोगों को बुलाया उसकी ओर। एंड गॉड बिकेम एंग्री। और वहां पे परमेश्वर क्रोधित हो गए। एंड मोसेस बिकेम मिरियम बिकेम लेपर। और मिरियम जो थी वो कोढ़ से पीड़ित हो गई। सो बिफोर मिरियम बिकेम अ लेपर द क्लाउड केम डाउन। तो इसके पहले कि मिरियम कोढ़ से पीड़ित हो गई, वो जो बादल था वो नीचे आ गया। बिकॉज लॉर्ड केम डाउन थ्रू द पिलर। क्योंकि वो जो बादल का जो खंभा था उसके जरिए परमेश्वर नीचे आए थे। स्मॉल चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग हियर एंड देयर। जो छोटे बच्चे थे जो खेल रहे थे उधर इधर। They all started running towards the tents। वो लोग सभी लोग अपने घरों की ओर भागने लग गए। मम्मी मम्मी क्लाउड हैज कम, वी हैव टू गेट रेडी, प्लीज गेट रेडी। क्योंकि वो लोग बोलने लगे कि मम्मी मम्मी ये जो खंभा है बादल का ये आ गया है, हमें तैयार होना है अपने सफर के लिए। They were washing their hands, faces and got ready। तो वो लोग अपने हाथ मुंह सब धोकर एकदम तैयार हो गए। But father is telling, no, no, we have to hear the trumpet sound, then only we can start। लेकिन जो पिता रहेंगे वो लोग कहते रहेंगे कि नहीं नहीं, जब तक हम लोग आवाज नहीं सुनेंगे तभी तक हम लोग जाएंगे नहीं आगे। No, mummy, when the cloud comes, we used to get ready। नहीं नहीं, लेकिन माँ जब भी बादल आता है हमें तैयार होना है। Now start, cloud started departing। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद वो जो बादल था वो आगे जाने लगता है। There was no trumpet sound। और कोई पिपनी की आवाज नहीं थी। Some of the leaders thought there is some confusion। और जो कुछ अगुआ रहेंगे वो लोग सोचते रहेंगे कि क्या चल रहा है। Some confusion the protocol। Some protocol। हाँ। So उनके लिए उनके पास कोई योजना होगा शायद से उस समय। The procedure। Okay, आप procedure रहेगा उसके। So many said I will go on to Moses and find out। तो कोई अगुआ ने कहा रहेगा कि मैं जाके मूसा से पूछता हूँ कि क्या चल रहा है। So many leaders came to Moses। और कुछ अगुआ लोग मूसा के पास गए रहेंगे। Moses was very sad। और उस समय मूसा बहुत ही दुखी रहेगा। Probably weeping। और शायद से रोता रहेगा। Okay, we'll go to Aaron। तो लोग सोचते रहेंगे कि ठीक है हम लोग हारून के पास जाते हैं। Aaron is not there। और हारून तो वहाँ पे है ही नहीं। He is with Miriam। वो मिरियम के साथ है। What happened? वो लोग पूछते हैं क्या हुआ? Why we are not moving? क्यों तो हम लोग यहाँ से हिल नहीं रहे हैं? Why there is no trumpet sound? क्यों कोई पिपनी की आवाज नहीं है? Then they came to know that Miriam, the prophetess, became a leper। फिर उन्हें पता चलता है मिरियम जो भविष्यवक्ता थी उसको कोढ़ की बीमारी हुई है। मिरियम She became a leper। तो लोग बोलते क्या बात कर रहे हो, मिरियम उसको कोढ़ की बीमारी हो गई। What a mighty prophetess। वो इतनी महान भविष्यवक्ता है। What happened to her? क्या हुआ उसके साथ? God is not a partial, God is impartial। परमेश्वर के पास कोई भेदभाव नहीं है। God is not a respecter of persons। परमेश्वर के पास कोई भेदभाव नहीं है। Whether it is Miriam or Moses। भले वो मिरियम हो या मूसा हो। A proud person God is against। एक घमंडी व्यक्ति के खिलाफ परमेश्वर हमेशा रहेगा। So God knows that it will take at least 7 days for the news of Miriam to the entire camp। तो परमेश्वर को पता था कि मिरियम के बारे में जो मिरियम के साथ जो हुआ था उसकी सूचना पूरे छावनी में फैलने के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे। Lots of people were there। वहाँ पे लाखों लोग रहेंगे। Small people, young people, old people। छोटे बच्चे, युवक लोग, बुजुर्ग लोग। Third day, fourth day, everybody knew the reason। तीसरे और चौथे दिन तक सभी को पता चल गया था कि इसके पीछे क्या कारण था। Oh, Miriam spoke against Moses and she became a leper। क्या बात कर रहे हो, मिरियम ने मूसा के खिलाफ बात किया इसलिए उसको कोढ़ की बीमारी हो गई। That took 7 days। और 7 दिन लगा ये चीज को फैलने के लिए। Miriam got healed। और फिर मिरियम ठीक हो गई। She is coming back to the camp। वो वापस छावनी में आ जाती है। Can you just imagine with what face she would have come? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कैसे मुंह के साथ वो आई रहेगी अंदर? Probably should have covered her head। हो सकता है उसने अपने सिर को ढका हो। And pulled her veil like this। और घूंघट को पूरी तरीके से मुंह के ऊपर लिया हो। And tears rolling। और शायद से आंख से आंसू आते हो। And walking towards the camp। और छावनी की ओर चलती ऐसी आई रहेगी। Small children are shouting। छोटे बच्चे चिल्लाते रहेंगे। Miriam auntie is coming। Miriam auntie is coming। We have to go ready। Get ready। Miriam auntie आ गए। Miriam auntie आ गए। तैयार हो जाओ। Who told that Miriam auntie is out? किसने बोला कि Miriam auntie बाहर थी? And now coming back in। और अभी वापस आ रही है। She knew। Everybody knew the reason। तो मिरियम को पता चल गया था उस समय तक कि पूरे छावनी में ये बात फैल चुकी है। What a humiliation। तो क्या शर्मिंदा वाली बात है ये। Pride can be cured only by humiliation। और ये घमंड जो सिर्फ ऐसे शर्मिंदा होने से टूट सकती है। Yeah, first God speaks। सबसे पहले परमेश्वर बात करता है। If you don't repent, अगर हम लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, then God probably allows some humiliation। तो फिर परमेश्वर अनुमति देता है कि हमारी हमारे साथ कोई शर्मिंदा वाली बात हो। I was telling you about a brother। मैं एक भाई के बारे में बोल रहा था। It is not our intention to humiliate anybody। तो मैं ये भाई के बारे में बोल रहा था, ये उद्देश्य नहीं कि मैं उसको शर्मिंदा करूं। But there is an order in the church। लेकिन कलेशिया में एक आदेश होता है। There is an order in the house of God। परमेश्वर के घर में एक व्यवस्था होती है। That
pride has to be treated. कि घमंड को हमेशा एक तरीके से उसके साथ बर्ताव करना होता है. This brother went out of pride. तो ये जो भाई था वो कलेशा के बाहर घमंड के जरिए गया. Then he has to confess in front of all the people that I was living in darkness, I was proud. Now we have repented. और इसलिए उसको वापस आके सबके सामने गवाही देनी पड़ी, कबूलना पड़ा कि मैं घमंड था, अंधकार में जी रहा था, लेकिन अभी मैं पश्चाताप करके वापस आया हूं. His grown up son is there, his wife is there. उसका बड़ा लड़का था, उसकी पत्नी वहां पे थी. But we are happy that he repented. लेकिन हम लोग खुश हैं कि उसने पश्चाताप किया. Added to that, one brother went and told. तो उसके ऊपर और एक भाई ने जाके बोला. We welcome that brother like a prodigal son was welcomed back to his home. तो हम ये भाई को उसी तरीके से स्वागत करते हैं जैसे वो जो गुमराह पुत्र था उसको स्वागत किया गया था. It may be the truth. शायद से ये सच है. But I don't know whether it should have been told or not. लेकिन मैं जानता नहीं कि ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं. Anyway, God is having all his wisdom. लेकिन हर चीज में परमेश्वर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है. Now there's a question. अभी यहाँ पे एक प्रश्न है. Why not 7 hours? Why 7 days? और सिर्फ 7 घंटे क्यों नहीं, 7 दिन क्यों? Why 7 hours of leprosy would have brought some kind of repentance? 7 घंटे के जो कोर की बीमारी भी पश्चाताप ला सकती थी. Why she should be away for 7 days? लेकिन 7 दिन तक उसे बाहर क्यों रहना था? Moses and Aaron are asking God. मूसा और हारून परमेश्वर से पूछते रहेंगे. Lord, 7 hours we will keep inside the room and let her come out. 7 घंटे तक हम उसे कमरे के अंदर रखेंगे, फिर आप उसको बाहर ला देना. Probably the time to travel to go out of the camp, it may take 1 or 1.5 days. हो सकता है कि वो छावनी के बाहर जाने के लिए ही 1 या 1.5 दिन लग जाए. God said no, what I said is said. नहीं, परमेश्वर ने बोला नहीं, जो मैंने बोला वो होगा. She has to go out. उसको बाहर जाना है. When Moses and Aaron were asking God why it happened. और फिर मूसा और हारून पूछ रहे थे परमेश्वर से ये क्यों हुआ है. Why she should be there outside for 7 days? क्यों उसे छावनी के बाहर 7 दिन तक रहना है? 14th verse, God is telling an answer. वाक्य 14 में परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं. If her father had but spit in her face, would she not bear her shame for 7 days? Numbers 12:14. तो वाक्य 14 में यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? If a father has spit on her face, अगर उसके पिता ने उसके मुंह में अगर थूका होता, father has spit on the daughter's face, पिता ने अपने बेटी के मुंह पे थूका होता, she has to be outside the camp for 7 days. तो उसे वो छावनी के बाहर 7 दिन तक रहना पड़ता. This Miriam, तो ये जो मिरियम थी, God the father has spat on her face. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने उसके मुंह पे थूका था. According to the commandment, she has to be away from the camp for 7 days. तो नियम के अनुसार उसे छावनी के बाहर 7 दिन तक रहना था. We read in Deuteronomy. हम लोग व्यवस्था विवरण में जाएंगे. Chapter 25. व्यवस्था विवरण chapter 25. व्यवस्था विवरण chapter 25. I was trying to find out what is the context where somebody spits on the face. तो मैं ये खोज में था कि ये क्या मामला है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुंह पे थूकता है. In your home you can go and read 25th chapter verses 5 to 11. घर में जाने के बाद तुम 5 to 10. घर में जाने के बाद तुम पढ़ सकते हो चैप्टर 25, उसमें वाक्य 5 से 10. या I'll just tell the background. तो मैं बस इसके बारे में थोड़े बोलता हूँ. When somebody spits, जब भी कोई व्यक्ति थूकता है, this is the only place we find it. ये वो एक ही जगह है जहाँ पे उसके बारे में लिखा है. सपोज अ हस्बैंड ऑफ अ वाइफ डाइस. सोचो अगर एक पति मर जाता है. सो हिज प्रॉपर्टी लैंड इज देयर. तो उसका जो जायदाद है, he has considered a house. उसके पास एक घर है. He died. वो मर गया. There is no children. और कोई बच्चे नहीं है. सो व्हाट विल हैपन टू द प्रॉपर्टी? तो वो जायदाद जमीन का क्या होगा? इट विल गो टू सम अदर फैमिली. वो कोई और परिवार के पास जाएगा. सो गॉड डजंट वांट दैट टू हैपन. तो परमेश्वर नहीं चाहते कि ऐसा हो. गॉड वांट्स a house to be built properly. परमेश्वर चाहता है कि हर एक घर ठीक से बने. God is so much concerned about the house of a single Israelite. परमेश्वर हर एक यहूदी के घर के बारे में इतने चिंतित है. So God says, तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, let the wife call the elders and speak to the younger brother of that person. तो यहाँ पे परमेश्वर आदेश देते हैं कि वो जो पत्नी है उसे अगुआओं को बुलाना है और उसका जो पति है उसके सबसे उसके छोटे भाई से बात करना है. या And let them ask him to marry this lady. और ये जो अगुआ है इनको उसके छोटे भाई को अपने बड़े भाई के पत्नी से शादी करवाना है. She will say, I'll use some name, Raman. You know, he has died. तो मैं उदाहरण के तौर पे एक नाम लूंगा जैसे रामन. रामन मर गया है. And his younger brother Biju is there. और रामन का छोटा भाई विजू है. And let this wife, Mrs. Raman, should go to Biju.
तो नियम के अनुसार रामन की जो पत्नी थी वो अभी विजु की पत्नी बनी विद एल्डर्स अगुवाओं के मौजूदगी में एंड दे शुड आस्क हिम टू मैरी दिस लेडी अगुवाओं को ये विजु को बोलना है कि उसे रामन की पत्नी से शादी करना है एंड व्हाट विल हैपन तो इससे क्या होगा ए चाइल्ड विल बी बॉर्न एक बच्चा होगा एंड द चाइल्ड शुड बी नेम्ड द सेम नेम रामन और वो जो बच्चा होगा उसका नाम वही रहेगा जो उसके पहले व्यक्ति का था रामन एंड द हाउस इज रामन हाउस और वो जो घर है वो रामन का ही घर कहलाएगा लैंड इज हिज प्रॉपर्टी वो जो जमीन जायदाद है वो उन्हीं की रहेगी नाउ देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी तो अभी वो प्रॉपर्टी जायदाद जमीन का ख्याल रखने वाला कोई है देन ही विल गेट मैरिड एंड ही विल गेट चिल्ड्रन एंड द प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू देम फिर वो जो लड़का रहेगा वो बड़ा होगा उसकी शादी होगी और वो जो जमीन जायदाद उन्हीं की रहेगी हाउस इज एस्टैब्लिश्ड तो वो जो घर है वो बना रहेगा हाउस इज बिल्ट तो घर जो है वो बन जाएगा सपोज दिस फेलो सेज आई विल नॉट मैरी तो सोचो अगर ये व्यक्ति ने बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा देन व्हाट शुड बी डन तो हमें क्या करना है दिस फेलो इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग द हाउस ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग ऑफ द हाउस So, what should be done? तो क्या करना है ये जो व्यक्ति है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है कि अपना जो भाई है उसका घर को वो बांधे तो क्या करना है Wife should go to that person, तो वो जो स्त्री है उसको वो व्यक्ति के पास जाना है Pull out the shoes. उसके जूते निकालने हैं You are not worthy of the shoe. और बोलना है कि तुम ये जूते पहनने के काबिल नहीं हो You are not worthy of the chappal. तुम ये चप्पल के योग्य नहीं हो डोंट वेयर द चप्पल ये चप्पल मत पहनो दे लॉट रिमूव द चप्पल्स तो चप्पल वो निकाल देगी बाइबल सेज दे लॉट रिमूव द सैंडल्स तो बाइबल कहता है कि वो जो जूते है वो निकाल देते हैं एंड लेट हर स्पिट ऑन हिम और वो जो स्त्री है उसको वो व्यक्ति के मुंह पे थूकना है हु हैज टू स्पिट किसको थूकना है दिस लेडी ये स्त्री को हैज टू स्पिट ऑन अ मैन्स फेस उसको एक पुरुष के मुंह में थूकना है दैट इज शेम ऑन यू इसका मतलब ये है कि तुम शर्मिंदा हो You know who don't wear chappals? क्या तुम जानते हो कि चप्पल कौन नहीं पहनता? Even now in our place, हमारे जगह में, in the rural area, जो गांव रहता है, there's a big जमींदार. वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक जमींदार है. Plenty of lands. उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है. When ordinary people go to his house, जब भी साधारण व्यक्ति उसके घर में जाते हैं, even at 1 kilometer before, 1 kilometer पहले ही, they should remove the chappals. वो लोग अपने चप्पल निकाल देते हैं. They have their dupatta and all. They should take it. तो वो लोग अगर सर पे अगर कोई पगड़ी वगड़ी रहेगी तो लोग निकाल देते हैं एंड दे शुड क्रॉस द हाउस और वो लोग को वो घर में जाना है व्हाट ही सेज तो वो क्या कहता है आई एम नॉट वर्दी टू वेयर द चप्पल तो ऐसा करने से वो क्या कह रहा है कि मैं योग्य नहीं हूँ चप्पल पहनने इन फ्रंट ऑफ योर बिग लैंड एंड ऑनर तुम्हारा जो आदर है और तुम्हारे जो जमीन है आई एम नोबडी उसके सामने मैं कोई नहीं हूँ इवन नाउ द प्रैक्टिस इज देयर तो आज भी ये इसका प्रैक्टिस होता है दे शुड नॉट राइड द साइकिल Ride the cycle. वो लोग साइकिल नहीं चलाना चाहिए Yeah, when teacher goes, students get down and salute and then get into the cycle. अगर कोई शिक्षक वहाँ से जा रहा है तो जो विद्यार्थी हैं, वो लोग साइकिल से उतर जाते हैं और शिक्षक जाने के बाद फिर अपने साइकिल पे चलते हैं। I worked in colleges. मैं कॉलेजेस में काम करता हूँ What they do know? वो लोग क्या करते हैं They will stylishly put the lock and then put and go. तो they just get down from this and don't get down. They yeah, with a stylish way, they remove the leg and then put the leg. अच्छा तो कॉलेज के जो विद्यार्थी है जब वो लोग मुझे देखते हैं वो लोग बहुत ही स्टाइल मार के एक पाव हटा देते हैं साइकिल से मुझे ध्यान देते हैं और फिर आगे चले जाते हैं I say better don't do that you ride the cycle तो मैं बोलता हूँ कि ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम अपना ही साइकिल चला This is more insulting than the other one क्योंकि इससे मुझे और भी कम आदर मिलता है So this fellow has to be spat on his face तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो स्त्री है उसको पुरुष के मुंह में थूकना है सैंडल has to be removed चप्पल निकालना है एंड दिस फेलो विल हैव अ हाउस नो और ये जो व्यक्ति है उसका जो घर होगा He has the house, no? बिजू, मिस्टर बिजू, तो ये जो बोर्ड तो ये जो बिजू जो व्यक्ति है उसका घर होगा उसके घर पे नेम प्लेट होगा उसके नाम के साथ God says, परमेश्वर कहता है remove the name board, वो नेम प्लेट निकालो put another board, और एक दूसरा नाम डालो वहां पर सैंडलेस फेलो कि बिना चप्पल वाला व्यक्ति फेलो whose sandals are removed, वो व्यक्ति जिसके चप्पल निकाले गए put that board, वो नेम प्लेट लगाओ some guests are coming, some guests कोई अगर मेहमान आएंगे टू द बिजूस हाउस बिजू के घर में एंड दे आर आस्किंग वेयर इज बिजूस हाउस और वो लोग पूछेंगे कि बिजू का घर कहाँ पर है हु इज बिजू वो लोग बोलेंगे कौन है बिजू ही वाज हियर वो यहाँ पे रहता था पहले हिज ब्रदर आल्सो डाइड उसका भाई भी मर गया ओह सैंडलेस फेलो बिना चप्पल वाला व्यक्ति दैट हाउस इज देयर उसका घर वहां पर है आई एम नॉट टेलिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड सेज लाइक दैट ये मेरा उदाहरण नहीं है परमेश्वर के पुस्तक में लिखा है या आई विल जस्ट शो 10th वर्स मैं दिखाऊंगा वाक्य 10 But when the yeah numbers no Deuteronomy व्यवस्था वेलन chapter 25 yeah वाक्य 10
25 and verse 10. Vakya 10. But I was not willing to listen to. Okay. Yeah, you can read that verse. Verse 10. Yeah. तब इज़राइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना. Yeah. In Israel, his name shall be called the house of him whose sandal is removed. I'll read the same verse in Message translation. His name in Israel will be family no sandal. तो family no sandal. तो दूसरे वर्जन में ऐसा लिखा है कि उसका नाम ये कहलाएगा कि एक ऐसा परिवार जिसके पास चप्पल नहीं. It is a humiliation. तो ये एक शर्मिंदा वाली बात है. What is the principle we learn? तो इसके पीछे हम लोग क्या सीखते हैं? Anybody who is not interested in building up a house. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक घर स्थापित करने में दिलचस्पी नहीं रखता, he is not worthy to wear his shoes. वो चप्पल पहनने के लायक नहीं है. He is to be humiliated. उसको शर्मिंदा करना चाहिए. God doesn't like him. क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रखता. Now we'll apply to that to the godly house. तो अभी हम लोग ये नियम को परमेश्वर के घर पे लागू करेंगे. Are we interested in building up God's house or not? क्या हम लोग दिलचस्पी रखते हैं परमेश्वर का घर बांधने में? When some problem comes to the church, जब कलेशिया में कोई मुश्किल आती है, and some brother comes and asks, और कोई भाई आके तुमसे पूछता है, shall we do this? क्या हमें ये करना है? Shall we pray? क्या हमें प्रार्थना करना है? Will you come and help me build this house? क्या तुम आके मेरी मदद करोगे ये घर बनाने में? If you say you are not interested, अगर तुम उस समय बोलोगे कि तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, I don't want to say balance things. I don't want to say what is the remaining things. और तो वो तुम बोलोगे कि मुझे ये चीज़ें कोई लेना देना नहीं है. Yeah, that's where Moses was faithful in all his house. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसा मूसा परमेश्वर के घर में एकदम ईमानदार था. The whole Israel was the household Moses was trying to build. पूरा जो यहूदियों का देश था वो परमेश्वर का घर था जो मूसा बना रहा था. He gave his entire energy, entire life to build the house of God. उसने अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा जीवन समर्पित कर दिया परमेश्वर का ये घर बांधने में. In that process, Miriam was trying to put a stumbling block. और ये प्रक्रिया में मिरियम कोशिश कर रही थी कि वो एक अड़चन बने. मिरियम puts an stumbling block in building the house of God. और मिरियम एक अड़चन डाल रही थी परमेश्वर के घर बांधने के प्रक्रिया में. We know what God had done for her. और फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया. So it is a big responsibility. तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है. It is God's house. क्योंकि ये परमेश्वर का घर है. The household of God. परमेश्वर का घर. That's what we read in Timothy. ये हम लोग पढ़ते हैं तीमोथियस में. Household of God is the church. जो कलेशा है वो परमेश्वर का घर है. Every one of us has got a responsibility to build this house. हर एक व्यक्ति यहाँ पर उसके पास एक जिम्मेदारी है ये घर को बांधने में. Not to shatter this house. उसको तोड़ने में नहीं. If we are doing our responsibility, अगर हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, instead of humiliating, God will honor us. तो इसके बजाय कि परमेश्वर हमें शर्मिंदा करेगा, वो हमें आदर देगा. God will bless us spiritually. वो हमें आत्मिक रूप से आशीष करेगा. So Moses was faithful in all the house of God. तो मूसा परमेश्वर के पूरे घर में विश्वसनीय था. Because of his meekness. क्योंकि वो दीन था. मिरियम वॉज नॉट फेथफुल. लेकिन मिरियम विश्वसनीय नहीं थी. बिकॉज ऑफ हर प्राइड. उसके घमंड के वजह से. बिकॉज शी वॉन्टेड अ पोजिशन. क्योंकि उसे एक पोजिशन चाहिए था. शी वॉन्टेड ऑनर. उसे आदर चाहिए था. शी वॉन्टेड मोसे टू ओबे हर. वो चाहती थी कि मूसा उसकी सुने. बट गॉड डिपार्टेड फ्रॉम हर. लेकिन वहां से हम लोग देखते हैं परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया. God's presence went away from her. परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली गई. God is promising his fullness of presence to everybody who is taking the responsibility to build the house of God. परमेश्वर का ये वादा है कि उपस्थिति उसकी पूरी तरीके से मौजूद रहेगी उन लोगों के साथ जो उसके घर बांधने की जिम्मेदारी लेते हैं. Who will tell what is your responsibility? कौन तुम्हें बताएगा तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? Yeah, you ask God. तुम्हें परमेश्वर से पूछना है. It may be washing of plates. हो सकता है वो बर्तन धोना हो. It may be arranging of the chairs. हो सकता है वो कुर्सियों को ठीक से लगाना हो. It may be arranging all the mic and other things. हो सकता है वो माइक वगैरह लगाना. These are all physical works. वो सब हो सकता है कि वो शारीरिक काम ना हो. Anybody can do that. ये तो कोई भी कर सकता है. But that is not sufficient to build the house of God. लेकिन इतना ही काफी नहीं है परमेश्वर के घर बनाने के लिए. Spiritual responsibilities are there. आत्मिक जिम्मेदारी भी होती है. The demonic forces have to be bound. और शैतानी आत्माएं होते हैं उनको भी बांधना होता है. Many families are in bondage. कई सारे परिवार बंधे हैं. They have to be released. और उनको छुड़ाना है. They need your prayers. उनको तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत. Somebody is depressed. कोई निराश है. They need your speaking. उनको तुम्हारे शब्दों की जरूरत है. I've been the elder in a church for many years. मैं कलेशिया में अगुआ रह चुका हूँ काफी साल से. I think I have preached well
मुझे लगता है कि मैंने प्रचार अच्छा किया है. एंड माई सन विल कम एंड टेस्टिफाई. और मेरा बेटा आके उसके बारे में गवाही देगा. लास्ट वीक आई वॉज डिप्रेस्ड. पिछले हफ्ते मैं निराश था. आई वुड हैव प्रीच्ड फॉर 45 मिनट्स. मैं तकरीबन 45 मिनट तक प्रचार कर सकता हूँ. हिज टेस्टिमनी इज. लेकिन उसकी गवाही ये थी. आई स्पोक टू ब्रदर अरुण राज. मैं ब्रदर अरुण राज से बात किया मैंने. एंड 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ही स्पोक टू मी. और 5-10 मिनट वो भाई ने मुझसे बातें की. आई वॉज मच एनकरेज्ड. और उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हो गया. ओह व्हाट फेलो, आई स्पोक फॉर 45 मिनट्स वरंट नॉट एनकरेज्ड. और मैं सोच रहा था कि मैं 45 मिनट तक बात कर रहा था और तुम्हें उससे प्रोत्साहन नहीं मिला. दैट्स गॉड्स हाउस. ये है परमेश्वर का घर. गॉड इज वेटिंग फॉर अरुणराज पीपल लाइक अरुणराज टू स्पीक टू पीपल लाइक माय सन. परमेश्वर रुका होता है अनुराज जैसे भाइयों को बात करने के लिए ताकि मेरे जो जैसे मेरा बेटा था ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले. देयर आर सिस्टर्स हु आर नॉट एबल टू कम एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद द एल्डर ब्रदर और अदर सिस्टर्स. यहां पे ऐसे बहनी है जो आके अपने समस्याओं के बारे में दूसरे भाइयों से बात नहीं कर सकते. दे नीड योर हेल्प. उनको तुम्हारी जरूरत है. फॉर व्हिच यू हैव टू बी फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड विद द लव ऑफ गॉड विद अनॉइंटिंग. और उसके लिए तुम्हें अभिषेक और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रेम और आत्मा से भरे रहना है. God has already planned to give so many spiritual goods for you to build up the church. परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाई रखी है तुम्हें ये सारे अलग अलग क्षमताएं देने के लिए जिसके जरिए तुम उसका घर बांध सको. If you are not going to God and asking for these gifts, whose fault it is? अगर तुम परमेश्वर के पास जाके ये क्षमताओं को मांग नहीं रहे हो तो वो गलती फिर किसकी है? Because you don't pray and ask for the gifts, the building work is delayed. क्योंकि तुम प्रार्थना करके मांगते नहीं इसलिए ये घर बांधने का काम रुका हुआ है. Let us ask God. हमें परमेश्वर से मांगना. Give me the power. परमेश्वर तुम्हें शक्ति दे. Give me the anointing. मुझे अभिषेक दे. Give me the gifts. मुझे क्षमता दे. Give me the word of wisdom. मुझे ज्ञान दे. To build the church, Lord. ताकि मैं तेरा कलेशा बांध सकूं परमेश्वर. It is God's desire that a strong church is built. परमेश्वर की इच्छा है कि एक बहुत ही शक्तिशाली कलेशा स्थापित हो. And God wants to be glorified. और परमेश्वर उसके बीच में महिमा पाए. May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे. आमीन.